गुरु जी आपके संकल्प करने से शरीर की बीमारियां तो सारी दूर हो गई हैं, लेकिन एक समस्या है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। 12 साल हो गई गुरु जी मुझे तैयारी करते करते, लेकिन मुझे सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हर बार असफल हो जाती हूँ मैं। अब मैं सोच रही हूँ कि गुरु जी से मिलूँ, उसके बाद में मैं अपनी कहूँ कि गुरु जी मैं क्यों असफल हो रही हूँ, क्यों सफल नहीं हो पा रही अपनी। कोई बात नहीं बेटा, आप सफल हो गए, आँखें बंद करो। इस बच्चे की जितनी भी असफलता है की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाएँ। ओम शिव निकाल के शिव काम खिलाई जाएँ। ये स्मृति इच्छा विचार आशय भर दी जाएँ कि मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और सेलेक्ट होंगी, हमारा चयन होगा, हमारी नौकरी लगेगी। ये स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएँ भर दी जाएँ। अपनी पढ़ाई और अध्ययन के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। बेहोशी की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। पढ़ाई से अध्ययन से अरुचि जो हो जाती बीच बीच में, वो सारी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। नष्ट करके सबसे कौन खिलाई जाएँ। अपने अध्ययन के प्रति और गहरी रुचि पैदा की जाए। ओम, और हम सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएँ भाव विचार भर दिए जाएँ, सक्रिय रखे जाएँ, सबसे आगे रखे जाएँ। आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए, और आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, स्वयं की इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए। हम सफल जरूर होंगे, ऐसे भाव विचार स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएँ भर दी जाएँ और सक्रिय रखी जाएँ, सदैव आगे रखी जाएँ। बैलेंस 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, बंधन अपने अपने खींचिए 3 बार। अब आपको क्या लगता है, हो पाएगा कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं, आपको क्या लगता है? हो जाएगा गुरु जी, आपके संकल्प करने से होता है, मुझे लगता है अंदर से हो जाएगा, फिर पता नहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं नहीं होगा, फिर दिमाग में ऐसी आती है जैसे सुसाइड करने की इच्छा होती है। अब लग रहा है कुछ सुसाइड करने की इच्छा हो रही? नहीं, अब नहीं लग रहा कुछ भी। सब खत्म बेटा, सारी गंदगी गई, और आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है, आप कर पाओगे, जॉब मिलेगी? हाँ गुरु जी, मैं बहुत तैयारी कर पाऊंगी और भी अच्छा कर पाऊंगी। ठीक बेटा, खुश हो। गुरु जी वो भैया हो रहे हैं, उनके अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरे साथ आए हैं भैया। अच्छा, अस्थमा रहता है गुरु जी? आंतर को बाह्य रूप से इतनी बीमारियां हैं कि मैं 12 साल से चल रहा हूं। मैंने संकल्प किए, इतने संकल्प किए, ऑनलाइन जितने भी संकल्प है सभी किए। एक्चुअली क्या है, मैं सेंट्रल स्कूल में जॉब करता हूं अरुणाचल में। अच्छा, कामाख्या देवी, अरुणाचल? हाँ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो मैं कामाख्या देवी के दर्शन करके आया, जब आप गए थे तो मैं गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, शायद मिल नहीं हुआ पाऊंगा। अच्छा, तो खुश मैंने संकल्प किए, लेकिन एक संकल्प, चूंकि मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक की दृष्टि से देखता हूँ हर चीज को। हाँ ठीक बात है। एक संकल्प मेरा समूचा सिद्ध हुआ, लेकिन बाकी संकल्प पता नहीं क्या नहीं हुआ, मैं नहीं कह पाता। तो मेरी क्या कि आंखों में खुजली, कान में खुजली, गले में खुजली, ये तो ये समस्या है। अस्थमा की प्रॉब्लम 12 साल हो गई मुझे। एलर्जी है या क्या है कुछ नहीं पता, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि एलर्जी ईश्वर की देन है। अच्छा, इस दुनिया में कोई डॉक्टर को ठीक नहीं कर सकता। अरे ये शरीर भी ईश्वर की देन है, डॉक्टर से बताया नहीं। अब इतना बहस कैसे कर सकते हैं? एलर्जी ईश्वर की देन है, वो हारे डॉक्टर साहब। जब मैं 10th में था तो मेरे बहुत अच्छा पढ़ा है डॉक्टर साहब ने। जब मैं 10th में था तो मैंने नाक का ऑपरेशन कराया था, मेरी नाक हर समय बंद रहती थी। अच्छा, ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा धीरे धीरे वही स्थिति आ रही है। एक क्या था, साइनस था या पॉलिप्स हो गए थे अंदर? साइनस था। अब समझाऊं, वो पहले तो डॉक्टर पता नहीं क्या बताते थे कि मास बढ़ गया है, लेकिन जब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, 12वीं में था तब। ठीक बात, अब समझ में बात आ रही है। कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करो, अभी सब अच्छे होंगे। ओम, जो जो बताया इन्होंने सुश्रुत, सबकी चिकित्सा कर दें, सारा अस्थमा दमा हटाएं, जहाँ जहाँ इन्हें एलर्जी होती, कान में, आँखों में, नाक में, गले में, उस सारी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। ओम शिव, नष्ट करके सब सेवकाओं खिला दी जाएँ और चिकित्सा की जाए। फेफड़ों से सारी अशुद्धि हटाई जाए, सब गंदगी हटाई जाए फेफड़ों से, रक्त शुद्ध की जाए, श्वास नली, भोजन नली शुद्ध की जाए, श्वास और गहरी की जाए,
अस्थमा पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ओम शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय, चिकित्सा करके दल वापस आएगा। तीन सुनते तीन बैलेंस, आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब गहरी गहरी सांस लीजिए, देखिए आपको अस्थमा है, थोड़ा सा फायदा है। अपना नाक कान गला सब चेक करिए। ये अभी भी बंद था, मैं ये चेक कर रहा था कि इसमें इम्प्रूव आया कि नहीं, इसमें इम्प्रूव आया अभी तुरंत। ठीक है, और सांस लीजिए तीन बार, छोड़िए, कहीं कोई कमी लग रही हो तो बताइए। नहीं अभी कोई नहीं है, खुश रहिए। एक निवेदन और है गुरुदेव बस। हाँ बताओ। ये मेरा भाई है। हाँ। और ये मैं हिंदी का टीचर हूँ और मैंने इसको चेंज करा के इस सब्जेक्ट दिलाई है। हाँ। ये विद इन 12 साल से मेहनत कर रहा है, खूब पढ़ता है, ये नहीं कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो कि पढ़ता नहीं है, बट इसे याद कुछ नहीं रहता। मैं ऑनलाइन क्लास इसको इसको लेपन की आवश्यकता है। अच्छा। इसको इसको भी ठीक है, इसको है आवश्यकता। तुम आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद, ओम। इसको स्मरण न रखने वाली जो स्मृतियाँ हैं वो नष्ट कर दी जाएँ, नष्ट करके सेवकों को खिलाई जाएँ, इस बच्चे की स्मरण शक्ति और बढ़ाई जाए, और बढ़ाई जाए स्मरण शक्ति। इसको पढ़ा लिखा सब याद रहे, परीक्षा के समय भी याद रहे, और लिख पाए, पढ़ पाए, बोल पाए, सभी के उत्तर याद रहें, इसको कुछ भी ना भूले, इसका आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए, और स्वयं की इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए। बैलेंस, तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। बैलेंस, आँख खोलो, अपना बंधन खींचो तीन बार। अब अपने को देखो, स्वयं को, तुम्हें पढ़ा लिखा सब अब याद रहेगा कि नहीं, क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, क्या कह रहा अभी इस समय? थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पूरा पूरा कर दिया जाए सर? पूरा पूरा कर, पूरा कर दो। ठीक है, आंखें बंद करो, ओम। इस बच्चे की स्मरण शक्ति पूरी तरह खोल दी जाए, इसको पीछे जिसने पढ़ा लिखा है सब इसको याद दिला दिया जाए, जितना अब इसने ध्यान से पीछे पढ़ा है, जो जो अध्ययन किया है सब इसको याद दिला दिया जाए, सब इसके स्मरण में ला दिया जाए। बैलेंस, इसका आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए, बैलेंस, वापस आएंगे सर, तीन सुनते, एक दो तीन, बैलेंस, तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, बैलेंस, आँख खोलो, अपना बंधन खींचो तीन बार ओम नमः शिवाय बोलकर। अब अपना देखो, जो पीछे पढ़ा लिखा है तुमने वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये आ रहा है याद? आ रहा। अब तुम्हें पीछे का भी याद रहेगा जो पढ़ा है तुमने, जो आगे पढ़ोगे सब याद रहेगा। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है, कर पाओगे सब? कर पाओगे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वो कुछ कह रहे हैं बेटा, वो कुछ कह रहे हैं। गुरु जी, ये छोटी बहन है, 30 एज हो गई इसकी। मेरा ये निर्णय था कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक शादी नहीं करूंगा, मेरा दृढ़ निश्चय था ये, और प्रभु की कृपा से मैं यहाँ आया नहीं था, उससे पहले प्रभु ने मेरी सुन ली। बस यही दृढ़ है इसका है, 30 एज हो गई, गांव में रिश्तेदारी में सब हम पर थूतू करते हैं कि 30 साल की बच्ची होगी, एमए बीएड नेट क्वालिफाई है, अब कर पाएगी। बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है इसको, अब ये कर पाएगी। अब इससे बात करो, हम लड़का देखने जाते हैं तो ये खुद मना करती है कि मैं क्यों पढ़ाई, गांव वाले कहते हैं कि उसकी बच्ची इतने पढ़ने पर भी नहीं लगी तो तुम क्या लगोगी, जल्दी शादी करो इनकी। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, तुम कर पाओगी अपना? हाँ, कॉन्फिडेंस अब? हाँ कॉन्फिडेंट है, मैं लग जाऊंगी। पर गुरु जी, मैं ना जब एग्जाम देती हूँ ना तो सही क्वेश्चन गलत हो जाता है, पता नहीं मुझे। अब क्या लग, अब वो बेटा बेहोशी थी आपकी, आप आधी बेहोशी में रहते थे, आपको पता ही नहीं लगता था। ठीक है ना, पढ़ा लिखा मौके भूल जाते थे, पढ़ा लिखा जब उत्तर लिखना होता था भूल जाते, नहीं भूल जाते थे, भूल जाती थी। तो फिर अब वो नहीं होगा, अब आपको लगता है भूल जाओगे, देखिए चेक करिए अपने आप को, नहीं लग रहा। तो फिर आप सब याद रहेगा, अच्छे से आप परीक्षा दे पाओगे,
अच्छे नंबर से आप पास हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, खुश रहो। और तुम्हारा संकल्प, तुम्हारे भाई का संकल्प पूरा हो, ठीक है? यही दरबार का आशीर्वाद है। खुश रहो।